नमस्कार दोस्तों मैं प्रोफेसर प्रवीण परमार आप लोगों का स्वागत करता हूं साइफर एनालिटिका के इस नए कोर्स में जिसका नाम है डेटा एनालिटिक्स यूजिंग एक्सेल विथ जनरेटिव एआई आई टूल्स तो इस कोर्स में हम लोग स्टडी करेंगे पहले समझेंगे कि डेटा एनालिटिक्स क्या है और उसके बाद हम जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वह है बेसिक एक्सेल का इसके बाद एडवांस एक्सेल और उसके बाद मॉडर्न एक्सेल और उसके बाद हम देखेंगे कि हम एक्सेल के थ्रू किस एक्सटेंट तक डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं ठीक है तो हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की तो हमारे सेशन का जो मॉड्यूल वन है वो है इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स एंड एक्सेल आज हम समझेंगे कि डेटा एनालिटिक्स क्या है और एक्सेल क्या है ठीक है कैसे एक्सेल टूल क्या होता है कैसे उसको यूज किया जाता है तो इस मॉड्यूल में जैसे आप देख रहे हैं कि पहला जो चीज हम समझने वाले हैं वो अंडरस्टैंडिंग डेटा एनालिटिक्स दूसरा इंट्रोडक्शन टू एक्सेल तीसरा अंडरस्टैंडिंग एक्सेल इंटरफेस और चौथा है कस्टमाइजिंग क्विक एक्सेल टूल बार ये हमारे पहले मॉड्यूल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं सबसे पहले हम समझते हैं अंडरस्टैंडिंग डेटा एनालिटिक्स उसके पहले जो एनालिटिक्स की सबसे पहली सीढ़ी है जो पहला पायदान है वो होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें इन्फॉर्मेशन निकालना आना चाहिए उस सिस्टम में से और उस सिस्टम में से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमारे पास बहुत से टूल होते हैं जिनमें से काफी प्रसिद्ध प्रचलित जो टूल है वो है एक्सेल जो कि सभी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है ठीक है तो हम एम की बात करने वाले हैं यहाँ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम देखिए सिस्टम क्या होता है इट इज ए ग्रुप ऑफ कंपोनेंट वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल ये कंपोनेंट का एक ग्रुप है एक समूह है जो एक साथ काम करता है एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए ठीक है सिस्टम ऐसे होते हैं कई तरह के सिस्टम होते हैं जैसे हम देखें एजुकेशन सिस्टम होता है फिर नेशनल सिस्टम होता है पॉलिटिकल सिस्टम होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है तो यहां हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा अब डेटा क्या है डेटा जो है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर जो भी रॉ फैक्ट्स और फिगर्स हैं वे सब हमारे डेटा होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्ड भी होता है अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होता है ठीक है एम आई एस रिपोर्टिंग कितने प्रकार से होती है तो एक तो डिटेल रिपोर्ट होता है जो हमारे पास डेटा है और डेटा से पहली रिपोर्ट डिटेल रिपोर्ट बनती है फिर समरी रिपोर्ट होती है फिर समराइजेशन ऑफ समरी होती है जो कि मोस्टली हम लोग डेस बोर्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है अब क्योंकि जब हम डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं तो वहां स्टेटिस्टिक्स का तो इन्वॉल्वमेंट है ही कोई भी डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस का जो कोर है वो स्टेटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स है तो सबसे पहले हम थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स को भी यहां पर डिफाइन कर रहे हैं स्टेटिस्टिक्स इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ कलेक्टिंग क्लासिफाइंग कंप्यूटिंग एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड इट्स इन है ना ये एक साइंस और आर्ट है डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाए उसको कैसे क्लासीफाई किया जाए उसको क्या statistics उसमें कंप्यूट की जाए उसको कैसे एनालिसिस किया जाए उसका जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं कंप्यूटिशन के थ्रू फिर उस रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट किया जाए और उनको कैसे प्रेजेंट किया, जा, किया जाए किस फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए फिगर के द्वारा टेबल के द्वारा है ना उस इनसाइट्स को कैसे प्रेजेंट किया जाए अब इसको समझने के लिए हम देख रहे हैं कि स्टेटिस्टिक साइंस भी है और आर्ट भी है तो पहले हम ये समझे कि साइंस क्यों है है ना तो देखिएगा मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा यह मैंने एक छोटा सा डेटा दिया है टू सेवन फोर सिक्स एलेवेन यदि आप इसका मीन देखेंगे तो यहां पांच आइटम्स हैं और इनका समअप करके यदि हम फाइव से डिवाइड करेंगे तो हमें मीन मिलेगा एवरी बॉडी नोज द एवरेज एंड मीन सो वी गेट द मीन इलेवन प्लस नाइन ट्वेंटी थर्टी डिवाइडेड बाई फाइव इट बी सिक्स तो हम यदि इसका मीन निकालते हैं आप भी इसका मीन कैलकुलेट करेंगे तो विल गेट दिक्स एज ए मीन आपको इसका मीन जो है सिक्स मिलेगा तो so एवरीबॉडी इज गेटिंग द सेम मीन हर एक का मीन जो है समान आ रहा है सबका मीन छ आ रहा है किसी का मीन सेवन या एट नहीं आ रहा है यदि वो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहा है तो तो ये हमेशा हमें एक यूनिफॉर्म डिसीजन देता है एक जैसे यदि हमें रिजल्ट मिलते हैं किसी चीज से तो वो साइंस होता है ठीक है तो ये एक साइंस है क्योंकि इसमें एक मैथड यूज होता है उसको फाइंड आउट करने का जैसे कि हम देखें केमिस्ट्री पॉइंट केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यदि हम एसिड और बेस को मिलाएंगे तो हमें वाटर और सॉल्ट ही मिलने वाला है ऐसा नहीं है कि को कोई पर्टिकुलर व्यक्ति इन दोनों को मिक्स करेगा तो उसको एल्कोहल मिलेगा दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज साइंस इट ऑलवेज प्रोवाइड द यूनिफॉर्म रिजल्ट अब हम आगे बात करते हैं कि ये आर्ट क्यों है है ना तो हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस गिलास ऑफ वाटर यदि एक पानी का गिलास है तो आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे कुछ लोग बोलेंगे कि ये हाफ फिल है कुछ बोलेंगे हाफ एम्प्टी है बट यदि जो भी रिजल्ट्स हमें स्टेटिस्टिक्स में मिलते हैं कंपटीशन के बाद उनका इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमें उसको एनालिसिस करना होता है एनालिसिस इज अट थॉट प्रोसेस तो एनालिसिस इज अ थॉट प्रोसेस तो उस ब्रेन स्टोर्मिंग में हमें मालूम होना चाहिए उस थॉट प्रोसेस में हमें मालूम होना चाहिए कि उस वैल्यू के पीछे क्या छुपा हुआ है वैल्यू तो बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रही है पर बहुत कुछ वो हाइड भी करती है यदि वो हिडन चीज को आप निकाल पा रहे हैं तो आप अच्छा एनालिसिस कर पा रहे हैं अच्छा इंटरप्रिटेशन कर पा रहे हैं तो यहां पर यही बात है कि दिस गिलास इज फुल हाफ विद वाटर एंड हाफ विद ये, ये गिलास हाफ एम नहीं है है ना हाफ फील्ड भी नहीं है दिस गिलास इज फुल हाफ विद वाटर एंड हाफ विथ ईर सो ये जो चीजें हैं इंटरप्रिटेशन की ये एक्सपीरियंस के साथ आती हैं हम पहले दिन से बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं हमें धीरे धीरे तजुर्बे की जरूरत पड़ती है आर्ट जो होता है उसको रिक्वायरमेंट होती है तजुर्बे की जैसे आपको वायलिन सीखना है। तो आप आधे घंटे में एक घंटे में वायलिन नहीं सीख सकते यू हैव टू टू डू द द ऑफ प्रैक्टिस प्ले वायलिन तो यहां पर भी यही चीज है कि इंटरप्रिटेशन के लिए हमें एक अच्छे तजुर्बे की जरूरत पड़ेगी आप काफी उसमें प्रैक्टिस करेंगे काम करेंगे आपको धीरे धीरे सही इंटरप्रिटेशन समझ में आएगा आगे हम आते हैं कि डेटा एनालिसिस क्या है स्टेटिस्टिक्स तो हमने समझ लिया तो डेटा प्रोसेसिंग ट्रांसफॉर्मिंग एंड मॉडलिंग डेटा विद ऑफ डिस्कवरिंग डिसीजन मेकिंग डेटा एनालिसिस जो है वो प्रोसेस है कि भाई डेटा को आप कैसे इंस्पेक्ट करेंगे आजकल देखिएगा ना डेटा बहुत एक बिग डेटा में बड़ा लार्ज डेटा होता है रियल सीनेरियो में रियल टाइम में जब हम एग्जाम देते थे तो वहां जो क्वेश्चन होते थे उसमें 10-15 रोज होती थी जिसको हमें कैलकुलेट करके कोई भी स्टेटिस्टिक्स फाइंड आउट करना है तो वो डेटा तो हम इजीली इंस्पेक्ट कर लेते थे एक ही ग्लिम्पस में परंतु जब हमारे पास रियल टाइम में डेटा आता है सीट में कहीं थाउजेंड लेक्स ऑफ रोज होती हैं तो हम कैसे उसको इंस्पेक्ट करेंगे क्या देख के आप इंस्पेक्ट कर पाएंगे उसको दैट इज नॉट पॉसिबल तो उसके लिए आपको कोई ना कोई टूल की जरूरत पड़ती है तो डेटा एनालिसिस वही प्रोसेस है कि भाई डेटा को हम कैसे इंस्पेक्ट करें कैसे उसको इंस्पेक्ट किया जा सकता है डेटा को कैसे समझा जा सकता है उसको कैसे क्लीन करना है उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है और उसको मॉडल डेटा को कैसे करना विद द गोल ऑफ डिस्कवरिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारा जो गोल है उस डेटा से उपयोगी जानकारियां निकालना है है ना तो वो हम कैसे निकाल पाएंगे है ना इन्फॉर्मिंग कंक्लूजन दैट सपोर्ट डिसीजन मेकिंग जो निकलती है, वो हम conclusion में हमारे निर्णय में उपयोग करते हैं और वो हमें सहायता करती हैं हमारे निर्णय लेने में डिसीजन मेकिंग में तो ये डेटा एनालिसिस का एक प्रॉपर डेफिनेशन है और आगे हम समझते हैं कि क्या क्या टूल्स इसमें यूज होते हैं इन सब कामों के लिए तो देखिएगा इथन यूज होता है एडवांस एक्सेल यूज होता है स्टेटिस्टिक्स तो हम पढ़ ही रहे हैं कोर सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग डेटा एनालिटिक्स में और भी टूल यूज होते हैं स्पार्क होता है हडूप माई सिक्वल एस पी एस एस पावर बी आई टैबल्यू ऐसे कई टूल्स हैं आर हुआ ये सब टूल्स यूज होते हैं डेटा साइंस प्रोसेस में डेटा एनालिटिक्स में मशीन लर्निंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है ना डीप लर्निंग में ये सब टूल्स यूज होते हैं यहाँ मैंने कुछ टूल्स शो किए हुए हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज हम यहां पर फिर से समझने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा देखिए स्टेटिस्टिक्स का मेरा एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे स्टेटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस उसको आप जरूर देखें यदि आपको इस कोर्स को करने के पहले उसको देख लेंगे कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी आपको कि स्टेटिस्टिक्स कैसे क्या क्या चीजें होती हैं किन का उपयोग होता क्योंकि है क्योंकि यहाँ बहुत सी चीजें यहाँ जो पूरा कोर्स है प्रैक्टिकल होने वाला है वो कंसेप्चुअल था वो था है ना तो आप उसको भी उन वीडियोस को भी देखें और उसके बाद इन वीडियोस को भी देखें और यहां पे बेसिक एक्सेल से हम चालू करने वाले हैं तो सबसे पहली चीज हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा तो डेटा को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया कैटेगरी स्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करो अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा की बात नहीं हो रही यहाँ हम बात कर रहे हैं रो कॉलम में जो डेटा होते हैं उनकी बात कर रहे हैं तो यहाँ कैटेगरिकल डेटा और न्यूमरिक डेटा होता है दो प्रकार के डेटा होते हैं कैटेगरिकल डेटा भी दो प्रकार से होता है नॉमिनल डेटा होता है ऑर्डरेबल डेटा होता है है ना इसके लिए मेरा एक जो मेरी सीरीज है स्टेटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस उसमें मैंने डिटेल इसका क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन किया हुआ है यहां मैं उतना डिटेल में नहीं कर रहा हूं नॉमिनल डेटा में जैसे जेंडर है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर वो नॉमिनल डेटा है उसमें हम ऑर्डर नहीं कर सकते उनको कि मेल को ही वन बोलेंगे या फीमेल को वन बोलेंगे है ना यदि हम किसी को ऑर्डर करने का बोलेंगे तो हर एक व्यक्ति उसको अलग प्रकार से ऑर्डर करेगा पर ऑर्डरेबल डेटा क्या होते हैं जैसे एजुकेशन लेवल की बात करूं तो जैसे मैं बोलूं इलिटरेट प्राइमरी है ना मिडिल हाई स्कूल इंटर स्कूल ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी तो इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो इनको यदि हम कैसे भी रैंडम लिख दूं तो मैं आपको ऑर्डर करने का बोलूं कि इनको ऑर्डर करें प्रॉपर सीक्वेंस में जो सबसे कम एजुकेशन लेवल उसको वन दें जो सबसे ज्यादा है उसको मैक्सिमम नंबर दें तो आप उसके अंदर कोई भी व्यक्ति होगा इलिटरेट को वन देगा प्राइमरी को टू देगा है ना फिर मिडिल को थ्री देगा हाई स्कूल को फोर इंटर स्कूल को फाइव ग्रेजुएट को सिक्स पोस्ट ग्रेजुएट को सेवन और पीएचडी को एट देगा तो वो एक ऑर्डरेबल है उनको हम ऑर्डर दे सकते हैं, पर जेंडर को हम ऑर्डर नहीं दे सकते कि आप मेल को फीमेल बोलेंगे वन देंगे या फीमेल को वन देंगे या ट्रांस को वन देंगे दैट इज नॉट पॉसिबल दैट इज नॉट ऑर्डरेबल फिर न्यूमरिक डेटा के अंदर हम देखें तो बाइनरी डेटा होता है बाइनरी डेटा बेसिकली क्या होता है बुलियन डेटा होता है लॉजिकल डेटा होता है यस नो हुआ ट्रू फॉल्स हुआ है ना ये बाइनरी डेटा होता है तो बाइनरी डेटा में यदि आप देखें तो जीरो वन में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं फिर ऑर्डिनल डेटा होता है जो ऑर्डरेबल डेटा होता है यदि हम उसके ऑर्डर को यूज़ करें वन टू थ्री फोर फाइव तो ऑर्डिनल डेटा हो जाता है और इसमें बहुत से ऑर्डिनल लिकट टाइप स्केल होते हैं यदि आप देखेंगे कि जो एग्रीमेंट स्केल है स्ट्रॉन्गली डिस एग्री डिस एगरी न्यूट्रल या नॉट सर्टेन एग्री स्ट्रॉन्गली एग्री तो ये ऑर्डिनल डेटा होते हैं ठीक है <coughs> इसके बाद हम आते हैं स्केल्स पे देखिए स्केल इंटरवल और रेशियो दोनों स्केल होते हैं ऑर्डिनल स्केल नहीं होता ऑर्डिनल डेटा होता है बाइनरी डेटा होता है कैटेगरिकल डेटा होता है, है ना स्केल का मतलब ये होता है कि दो कंजिकटिव इंटीजर के बीच में सेम डिस्टेंस होना जो कि जैसे एज है या इनकम है तो इनमें दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में जैसे स्केल आप देखेंगे रूलर में जीरो से वन के बीच वन से टू के बीच टू से थ्री के बीच में सेम डिस्टेंस होता है तो वही ये सब जो एज इनकम हुआ मार्क्स हुए आपके ये सब क्या है कंटिन्यूस मतलब ये आपके स्केल के लाते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं इंटरवल और रेशियो इसमें खाली जीरो का डिफरेंस होता है ये आप मेरा उस वीडियो में आप मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हो आप इसको देख लीजिएगा इन दोनों स्कूल को स्केल को हम इन दोनों चीज़ों को इंट्रवेल और रेशियो डेटा को हम स्केल बोलते हैं और इस स्केल को अगर फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया डिस्क्रीट और कंटिन्यूस अब डिस्क्रीट जनरली लोग बोलते हैं कि यार जो इंटीजर है वही डिस्क्रीट होगा ऐसा नहीं है यदि आपके पास कोई डेटा है उसमें वन थाउजेंड रोज हैं और उसमें कोई पांच वैल्यू ही रिपीट हो रही हैं अगेन एंड अगेन रेप्लीकेट हो रही हैं है ना <laughs> तो आप उसको एज ए डिस्क्रीट ट्रीट करेंगे चाहे वो डेसीमल में हो पर यदि किसी डेटा में पच्चीस पचास वैल्यू रेप्लीकेट हो रही हैं तो उसको आप एज ए कंटिन्यूस ट्रेट करेंगे ठीक है तो ये ए, मेजर मेजर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा आपको बता दिया है हर टूल के अपने कोई डेटा टाइप्स होते हैं वो भी हम देखेंगे एक्सेल में क्या डेटा टाइप्स है पाइथन के अपने अलग होते हैं आर में कुछ अलग नाम होता है चीजें वही रहती हैं उनके नाम अलग अलग होते हैं ठीक है अब जब हम बात कर रहे हैं डेटा की डेटा एनालिटिक्स की तो हमें क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिसिस भी पता होना चाहिए तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिसिस में यदि हम देखें तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस डायग्नोस्टिक इन्फ्लेंशल एनालिसिस प्रेडिक्टिव एनालिसिस तो एनालिसिस ये भी मैंने मेरे जो वीडियोस हैं स्टेटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है या हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो वाट इज़ क्या है डेटा में मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं मेल की एवरेज इनकम कितनी फीमेल की एवरेज इनकम कितनी है या उनकी एवरेज एज कितनी है ये सब चीज़ें हम लोग डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में बात करते हैं जो भी करंट है हमारे पास सिचुएशन हाँ यदि मेल और फीमेल की जो एवरेज इनकम है उनके अंदर डिफरेंस है यदि वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है वो चेक करना हो तो फिर हम डायग्नोस्टिक में आ जाते हैं वहां हम बोलते हैं वाई इट इज ऐसा क्यों है कॉज एंड इफेक्ट की हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक में तो मेन जो एनालिसिस है वो डायग्नोस्टिक ही होता है ठीक है डिस्क्रिप्टिव हम खाली इंफॉर्मेशन निकाल के ला रहे हैं ठीक है और ये दोनों मिला के कहलाते हैं एक्सपर्टी डेटा एनालिसिस इन्फ्रेंसियल भी जो होता है यदि हम एक छोटा सैंपल लेके काम कर रहे हैं पूरे पॉपुलेशन पे नहीं तो हम इंफ्रेंसल एनालिसिस की बात करते हैं उस पर तो ये सब चीजें वहां मैंने आ, मेरी उस प्ले के अंदर सब कुछ है वह आप देखिएगा वहां पर वीडियो और आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी मैं आगे इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला अब हम देखें कि जॉब ओरिएंटेड कैरियर पाथ इन डेटा साइंस में क्या किस प्रकार का कैरियर पाथ में कैरियर पाथ कैसा होता है उसमें क्या क्या टूल हमें आना चाहिए ठीक है क्या क्या पोस्टें होती हैं तो देखिएगा हम करते हैं इसके अंदर देखते हैं तो आप देखिएगा मैंने यहाँ लेवल दिए हैं एक में प्रोफाइल दिया एक में स्किल्स दिया हुआ है तो एक जो पहला कॉलम है वो लेवल है लेवल वन एंट्री लेवल प्रोफाइल होती है इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है जिसको एम ऑफिस आता है तो वो एंट्री लेवल में जाता है लेवल टू जो है ऑफिस असिस्टेंट जिसको कोर एक्सेल आता हो बेसिक एक्सेल आता हो वो ऑफिस असिस्टेंट लेवल थ्री एम आई एस एग्जीक्यूटिव एम आई एस कोऑर्डिनेटर जिसको कोर एक्सिल आता हो साथ में एडवांस एक्सिल भी आता वी लुकअप लुकअप वगैरह वगैरह एच ये सब चीजें आती हूँ फिर लेवल फोर होता है एम एनालिस्ट या सीनियर एनालिस्ट हम उसको बोलते हैं जिसको कोर एक्सिल आता है एडवांस एक्सिल आता है वीबीए आता है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन और डैशबोर्ड क्रिएट करते आता है तो वो आपका सीनियर एनालिस्ट के लाता है लेवल फाइव जो होता है डेटा एनालिस्ट सीनियर डेटा एनालिस्ट की पोस्ट आ जाती है यहाँ पर कोर एक्सेल एडवांस एक्सेल वीबीए डैशबोर्ड के साथ सिक्वल टैब्लू या पावर बीआई कोई भी एक विजुलाइजेशन टूल आना चाहिए तो ये इस लेवल पे आ जाता है फिर जो लेवल सिक्स है दैट इज डेटा साइंटिस्ट ये इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है आपको कोर एक्सेल एडवांस एक्सेल वीबीए डैशबोर्ड सिक्वल आर पाइथन प्रोग्रामिंग ये सब चीजें आपको आना चाहिए इसके साथ साथ जो भी मैंने टूल आपको मैंशन किए हैं टैब्लू और पावर बी ये भी आपको आना जरूरी है और इसके साथ और भी स्किल्स हैं बिग डेटा के हडूप और ये सब चीजें पाइस पाक क्लाउड यदि आप देखें तो बहुत सी चीजें इसके अंदर फिर इन्वॉल्व होती हैं डेटा साइंटिस्ट में डिपेंड करती है कि किस तरह के रोल में आप जा रहे हैं ना जूनियर से सीनियर डेटा साइंटिस्ट में अलग अलग चीजों की अलग अलग जगह रिक्वायरमेंट होती है अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सेल की हम सबसे पहले देखें कि वॉट इज एक्सेल एक्सेल है क्या आखिर तो एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड सीट विच इज यूज टू ऑर्गेनाइज कैलकुलेट एंड एनालाइज डेटा एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड सीट है जो कि रो एंड कॉलम में होती है जिसका उपयोग किया जाता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने में उसको कैलकुलेट करने में उसको एनालिसिस करने में अब स्प्रेड शीट क्या होता है इज ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको अब हम देखते हैं कि एक्सेल का ओरिजिन क्या है कैसे क्या उसकी टाइम रही है क्या क्या उसके वर्जन आए हैं तो ओरिजिन जो एक्सेल का हुआ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मल्टीप्लान करके एक प्रोग्राम बनाया था कंपनी का नाम था सॉफ्टवेयर आर्ट्स जो बाद में माइक्रोसॉफ्ट में कन्वर्ट हुई या 1982 में पर्पस था स्पेसिक प्रोग्राम बनाना उसके पहले लोटस आया करता था तो एक्सेल 1.0 जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था 1985 में इंट्रोड्यूस हुआ में तो ये डॉस पे बेस्ट था फिर एक्सिल टू आया 1987 में जिसमें चार्ट्स वगैरह भी हम लोग क्रिएट कर सकते थे 1989 में एक्सेल आया जो मैथ वगैरह के फॉर्मुले उसमें आ गए थे एक्सेल फोर आया 1992 में जहां वीबीए इंट्रोड्यूस किया गया एक्सेल फाइव आया 1992 में जिसमें फिर पेवर टेबल इंट्रोड्यूस किया गया फिर एक्सेल नाइनटी आया नाइनटीन में जिसमें ऑट ऑफ करके एक प्रोविजन आया फिर एक्सेल टू आया Year 2000 में जिसमें लिस्ट आया लिस्ट का बहुत अच्छा उपयोग बिजनेस में सभी जगह लिस्ट का बहुत अच्छा उपयोग हुआ और इसके बाद वेब आया एक्सिल आया एक्सेल 2007 में रिबन आए फिर एक्सेल 2013 में फ्लैश फिल करके आया ठीक है इसका भी बहुत अच्छा टेक्स्ट फंक्शन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं एक्सिल टू में जो है पावर क्वेरी आई और एक्सेल 2019 में फनल चार्ट्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए गए एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट 365 2023 में आया जो कि रियल टाइम कोलैबोरेशन का काम करता है तो इस प्रकार से एक्सेल की जर्नी रही 1982 से लेकर के 2023 तक तो काफी एडवांस और काफी प्रचलित सॉफ्टवेयर हो गया प्रोग्राम है और हर कंपनी इसका उपयोग करती है तो यहां

Program, busy ke 1985 फर्स्ट वर्जन ऑफ एक्सेल फॉर द मैक मैक के लिए पहला वर्जन इंट्रोड्यूस किया था विच वॉज एनिसल कॉल्ड एक्सेल वन पॉइंट जीरो एंड इट वॉज वेल रिसीव्ड एंड गेन पॉपुलरिटी ठीक है ना बहुत पॉपुलर हुआ सिक्स में जो है सॉरी नाइनटीन में माइक्रोसॉफ्ट रिलीजेज एक्सिल फॉर विंडोज विंडोज के लिए उन्होंने रिलीज किया 1987 में माइक्रोसॉफ्ट रिलीजेज एक्सिल फॉर विंडोज विंडोज के लिए उन्होंने रिलीज किया विच वॉज पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था उसका एक पार्ट था ये एक्सिल फॉर विंडोज बिकम ए सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटर टू लोटस वन टू थ्री वन ऑफ द लीडिंग स्प्रेडशीट प्रोग्राम एट दिट टाइम लोटस चला करता था जो आपने पहले मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था तो 1990 में माइक्रोसॉफ्ट रिलीज एक्सेल थ्री पॉइंट जीरो विच इंट्रोड्यूस दूल वार एंड एबिलिटी टू वर्क विद मल्टीपल वर्कशीट्स विद इन सिंगल वर्क बुक तो मल्टीपल वर्कशीट इन्होंने इंट्रोड्यूस करी इट ऑल्सो इंक्लूडेड वेरियस न्यू फंक्शन चार्टिंग कैपेबिलिटीज बहुत से नए फंक्शन इंट्रोड्यूस किए और इसके अंदर चार्ट वगैरह क्रिएट करने की फैज कैपेबिलिटीज भी बढ़ी 1993 में एक्सेल 5 आया और सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आए इसमें परफॉर्मेंस एंड फंक्शनैलिटी में यहीं इंट्रोड्यूस किए गए कई फीचर्स लाइक ऑटोफील नेम रेंजेस एंड सपोर्ट फॉर विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन मेक्रोस है ना ये 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया देन 1995 में एक्सेल सेवन इज रिलीज एज पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 95 फाइव This version introduced uh, a redesigned user interface, including the familiar toolbar and menu system that remained largely unchanged for several subsequent versions. इसमें बहुत सारे अच्छे फैमिलियर टूलबार यूज किए गए, जो आज तक के वर्ज़न्स में यूज हो रहे हैं। 1997 में इन्होंने डेटा एनालिसिस टूल्स इसके अंदर एड-ऑन किए, जैसे कि पेवर टेबल्स इसमें आया, चार्टिंग कैपेबिलिटीज़ को और इंप्रूव किया, और इट आल्सो इंट्रोड्यूस द ऑफिस असिस्टेंट भी इन्होंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया था हेल्प सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय वर्चुअल कैरेक्टर नेम क्लिपी के नाम से है ना 2000 में इन्होंने जो नए फीचर्स इसमें आए वो थे लिस्ट ये बहुत ही इफिशियंट डेटा मैनेजमेंट फीचर रहा है लिस्ट आज भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं बहुत ज्यादा आगे देखते हैं नेक्स्ट 2013 में जो है इसमें कुछ नए फीचर्स आए जैसे फ्लैश फिल आया ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है टेक्स्ट फंक्शन के लिए हमें कुछ स्प्लिट करना हो टेक्स्ट तो वो पैटर्न के हिसाब से उन टेक्स्ट को स्प्लिट कर देता है एंड ना एंड uh, 2016 में जो आया वो पावर क्यूरी को इंट्रोड्यूस किया पावर पीरियड को इंट्रोड्यूस किया गया है ना जिसको कि हम एडवांस एक्सेल का पार्ट मानते हैं ठीक है uh, तो इसमें हम डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एनालाइज कर सकते हैं बहुत आसानी से जैसे मल्टीपल टेबल में जो नॉर्मलाइज डेटा होता है उसको हम पावर पीवड के थ्रू बहुत अच्छे से उस पर काम कर सकते हैं 2019 में जो वर्जन आया उसमें फनल चार्ट्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए इन्होंने टू मैप्स इंट्रोड्यूस किए पावर क्वेरी और पावर पीवर्ड को भी बहुत एनहेंस किया इन्होंने नेक्स्ट जो है यदि हम बात करें आज के जो प्रेजेंट सीनियो में यदि हम बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट कंटिन्यूज टू अपडेट द रिलीज न्यू वर्जन ऑफ एक्सेल रेगुलरली एज पार्ट ऑफ इट्स माइक्रोसॉफ्ट 365 सिक्सटी फाइव सब्सक्रिप्शन सर्विस अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया इसको मंथली सब्सक्रिप्शन में इंट्रोड्यूस किया और माइक्रोसॉफ्ट 365 जो है वो काफी, काफी पॉपुलर हुआ और रियल टाइम इसके अंदर चीजें कोलेबरेट हम कर सकते हैं नए फीचर्स उन्होंने बहुत से इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं अपडेट किए हैं इंप्रूवमेंट इन कोलेबरेशन एंड इंटीग्रेशन क्लाउड सर्विसेज के साथ भी थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री हैज एक्सिल्व इंटू ए पावरफुल टूल फॉर डेटा एनालिसिस मॉडलिंग एंड ऑटोमेशन आज सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है मैकिंग इट इज इट स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर फॉर इंडिविजुअल बिजनेस और वर्ल्ड वाइड ठीक है तो इस प्रकार से पूरी विश्व में काफी प्रचलित है एक्सेल जो है सभी जगह अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेल की कि एक्सेल का क्लासिफिकेशन क्या है तो यदि आप देखेंगे इसको एक्सेल का क्लासिफिकेशन तो आप पाएंगे कि एक्सेल को तीन भाग में डिवाइड किया एक तो बेसिक एक्सेल है दूसरा एडवांस एक्सेल और तीसरा भी जो आया है मॉडर्न एक्सेल तो हम हमारे इस जो कोर्स है डेटा यूजिंग एक्सेल विद जनरेटिव एआई टूल इसमें हम तीनों चीजें कवर करने वाले हैं बेसिक एक्सेल से एडवांस एक्सेल और मॉडर्न एक्सेल पूरी जर्नी हम करने वाले हैं और बहुत डिटेल में इस कोर्स को हम करने वाले हैं तो बेसिक एक्सेल में हम लोग क्या क्या देखेंगे देखिएगा सम एवरेज काउंट वगैरह के जो फार्मले हैं दीज आर फंडामेंटल फंक्शंस फॉर बेसिक आर्थोमेटिक ऑपरेशन एंड काउंटिंग आइटम्स इन अरेन्ज ये हम देखने वाले हैं बेसिक फॉर्मेटिंग हम लोग इसमें सीखेंगे फीचर्स लाइक फोन स्टाइल सेल अलाइनमेंट बेसिक फॉर्मेटिंग ऑप्शन बेसिक कैटेगरी इसमें एडवांस फॉर्मेटिंग भी होती है वो बाद में हम बात करेंगे फिर हम बात करने वाले हैं फिल्टरिंग एंड शॉर्टिंग की इसमें तो बेसिक डेटा मैनिपुलेशन सच इज शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग इज ए फंडामेंटल स्किल फॉर डेटा एनालिसिस है ना शॉर्टिंग करना आना चाहिए फिल्टरिंग करना आना चाहिए ये भी हमें बहुत जरूरी होता है डेटा एनालिसिस में आगे हम बात करने वाले हैं बेसिक चार्ट्स की जैसे हिस्टोग्राम हुआ बार प्लाट हुआ लाइन चार्ट हुआ पाई चार्ट हुआ ये सब कैसे इसके अंदर क्रिएट करेंगे फिर बात आती है ऑटोफिल की सो इज बेसिक फीचर दैट यू टू क्विकली सेल्स विद ए सीरीज ऑफ डेटा लिस्ट के आने के बाद ये सब चीजें क्लियर uh, हुई हैं अब हम बात करते हैं एडवांस एक्सेल की एडवांस एक्सेल में हम बात करेंगे वी लुकअप एच लुकअप के बारे में और इसमें जो सबसे uh,

जो है वो भी हम लोग देखने वाले हैं वो मॉडर्न एक्सेल uh, का पार्ट होता है बेसिकली तो पेवर टेबल्स आर मोर एडवांस फीचर्स फॉर समराइजिंग एनालिंग लार्ज डेटा सेट को समराइज करना है एनालाइज करना है ग्रुपिंग करना है इन सब के लिए पेवर टेबल्स का हम लोग उपयोग करते हैं तो ये हम स्टडी करने वाले हैं देन अरे फॉर्मुले की हम बात करेंगे फार्मूल देट वर्क विद अरेज ऑफ डेटा एलाउंग मोर कॉम्प्लेक्स कंक्लूजन वो कॉम्प्लेक्स कंक्लूजन होते हैं उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग ना चल गए हम अरे के रूप में उसको जब हम काम करते हैं तो ज्यादा एफिसियंट होता है ठीक है वो हम बात करेंगे डेटा वैलिडेशन की बात करेंगे एडवांस डेटा वैलिडेशन टेक्निक्स टू कंट्रोल एंड वैलिडेट वैल्यूजर इनपुट्स फिर हम मैक्रोस एंड वीबीए की बात करेंगे विजुअल बेसिक एप्लीकेशन की बात करेंगे अलाउज यूजर्स टू ऑटोमेट टास्क एंड क्रिएट कस्टम फंक्शन पूरी टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं जो रिपीटेड टास्क है हमारी उसको ऑटोमेट कर सकते हैं और उसको हम आगे भी यूज कर सकते हैं इससे हमारे समय की काफी बचत होती है पावर री की बात करें तो पावरफुल टूल फॉर डेटा इंपोर्ट करने में ट्रांसफॉर्मेशन मर्जिंग फ्रॉम वेरियस वेरियसोर्सेस हम डेटा को कैसे मर्ज करें वहां पावर कैरी का उपयोग किया जाता है मॉडर्न एक्सेल के बारे में यदि हम देखें तो डायनेमिक की हम बात करेंगे एक्सेल मॉडर्न अलाउ फॉर मोर डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल विदाउट ए नीड फॉर कंट्रोल शिफ्ट एंटर की जरूरत नहीं पड़ती है हमें जबकि हम हरे फंक्शन पे जब भी काम करते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर का यूज करना पड़ता है खाली एंटर से काम नहीं चलता है एक्स लुकअप जो मैंने बताया कि मॉडर्न एक्सेल का पार्ट है वो हम लोग यहाँ देखेंगे क्योंकि जो वी लुकअप है वो लेफ्ट टू राइट जाता है एच लुकअप जो है वो टॉप टू बॉटम काम करता है जो एक्स लुकअप है वो दोनों तरफ काम करेगा लेफ्ट राइट फिल्टर फंक्शन इसके अंदर बहुत अच्छे इंट्रोड्यूस हुए द फिल्टर फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न अरे ऑफ द डायनेमिक फिल्टरिंग ऑफ द डेटा ठीक है ये सब डैशबोर्डिंग में बहुत यूज होते हैं अब हम बात करें लेट एंड लेमडा के बारे में मोर एडवांस फंक्शन फॉर नेमिंग वेरियबल्स इन क्रिएटिंग कस्टम फंक्शन विद इन अ फॉर्मूला है ना उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है थ्री डी मैप्स मॉडर्न फीचर्स फॉर विज डेटा डायने स्पिल फंक्शनलिटी इन द मॉडर्न एक्सिल स्पिल रिजल्ट इन टू ने मतलब पूरे फॉर्मूले को नेबरिंग सेल्स के अंदर स्पेल कर देता है स्पिल कर देता है ये ना। तो इसको भी हम देखेंगे पावर बी आई इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेल ज्यादा एडवांस एनालिसिस इंटीग्रेट कर सकते हैं कैसे इससे काम ले सकते हैं तो ये तो था हमारे एक्सेल के बारे में कि भाई बेसिक एक्सेल में क्या है मॉडर्न एक्सेल में हम एडवांस एक्सेल में क्या सीखने वाले हैं और मॉडर्न एक्सेल में क्या सीखने वाले हैं अब हम बात करेंगे बेसिक एक्सेल के बारे में अंडरस्टैंडिंग एक्सेल इंटरफेस को हम समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले अभी जो हम बात करें जो भी एक्सेल 2019 और ये सब जो वर्जन आ रहे हैं इसके अंदर रोज जो होती हैं टेन लैख फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड से मिल रही हैं कॉलम होते हैं सिक्सटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एट्टी फोर तो यदि आप सेल्स की बात करें तो हमें यहाँ यह हमें जो सेल्स मिलती हैं सेवनटीन बिलियन वन हंड्रेड सेवेंटी नाइन मिलियन 869,184 सेल्स हमें इस प्रकार से प्राप्त होती फोर ओवरऑल एक सीट में, है ना? So, के में बहुत से कंपोनेंट है पर तीन कंपोनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले हम उनको समझें फिर हम बाकी कंपोनेंट की बात करेंगे ठीक है तो देखिएगा पहला तो है सेल अ सेल इज ए स्मॉलेस्ट बट मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ

सेल के अंदर जो भी डेटा आप डाल रहे हैं उनका साइज आपको कम ज्यादा करना है वो कर सकते हैं उसका फोन का कलर चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर वगैरह में आप अपने हिसाब से ले सकते हैं बॉर्डर दे सकते हैं और भी बहुत सी चीजें हम लोग उसके अंदर अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं एवरी सेल इज आइडेंटिफाई बाई इट सेल एड्रेस हर सेल उसके एड्रेस के द्वारा ही आइडेंटिफाई होती है, जानी जाती है सेल एड्रेस कंटेन इट्स कॉलम नंबर एंड रो नंबर सेल इज ऑन द इलेवेंथ रो एंड ऑन कॉलम ए बी कॉलम है किसी सेल का और ग्यारहवीं रो में है तो हम ए बी इलेवन लिखेंगे यदि मान लीजिए सी कॉलम में है और पांचवी रो है तो सी फाइव लिखेंगे तो ये रेफरेंस के इसमें दो तरीके होते हैं सेल रेफरेंस के एक ए वन मेथड होता है दूसरा होता है आर वन सी वन वह हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं ठीक है दूसरा हम देखें इसमें जो दूसरा पार्ट है वह है वर्कशीट सेल के बाद आता है वर्कशीट अ वर्कशीट इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल सेल्स विच कैन कंटेन अ वैल्यू अ फार्मूला और टेक्स्ट है ना वर्कशीट जो छोटी छोटी सेल है उससे मिलके बना होता है इसमें फार्मूला टेक्स्ट ये सब चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं इट ऑल्सो हैज एन इनविजिबल ड्रॉ लेर इनमें इनविजिबल ड्रॉ लेयर होती है विच होल्ड चार्ट, चार्ट वगैरह को होल्ड करके रखती है इमेजेस को होल्ड करके रखती है डायग्राम को होल्ड करके रखती है इच वर्कशीट इन ए वर्क बुक इज द बॉटम ऑफ द वर्क बुक विंडो जो वर्क बुक है एक वर्क बुक में मल्टीपल वर्कशीट हो सकती है ना इन एडिशन वर्क बुक यू कैन स्टोर चार्टीट ए चार्टीट डिस्प्ले सिंगल चार्ट एसेसिबल बाई क्लिकिंग क्लिकिंग टेप तो जैसे आप देखें थर्ड जो कंपोनेंट है वो वर्क बुक वर्कबुक अपने आप में जो फाइल होती है हमारी वो वर्कबुक के फॉर्म में रहती है एक्सेल की तो वर्कबुक इज सेपरेट फाइल जस्ट लाइक एवरी अदर एप्लीकेशन हैज वर्कबुक वन और मोर यू कैन से दैट वर्क वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्कशीट और कैन बी ए सिंगल वर्कशीट वर्कबुक में एक या एक से अधिक वर्कशीट हो सकती हैं यू कैन एड और डिलीट वर्कशीट आप एड भी कर सकते हैं डिलीट भी कर सकते हैं हाइड भी कर सकते हैं विद इन वर्क बुक विदाउट डिलीटिंग दैम आप छुपाना चाहें आप छुपा भी सकते हैं एंड चेंज द ऑर्डर ऑफ योर वर्कशीट विद इन वर्क बुक वर्क बुक में आप वर्कशीट के ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं पहले कौन सी रखना है बाद में कौन सी रखना है तो ये तीन तो मेन कंपोनेंट हुए कि सेल वर्कशीट और वर्क बुक अब हम पूरे कंपोनेंट को डिटेल में समझने की ये देखिएगा इंटरफेस <coughs> की मैं यदि बात करूं तो पहले मैं यहां समझा रहा हूं फिर हम प्रैक्टिकल तो करेंगे ही तो सबसे पहले यदि हम देखें यहां सबसे टॉप पे मैंने सात नंबर दिया हुआ है इसको कि ये है टाइटल बार आपके वर्कबुक का नाम और एक्सटेंशन आएगा यहाँ ठीक है इसके बाद जो है आप देखेंगे यहाँ पर है फाइल मीनू या इसको हम टेप बोल सकते हैं है ना तो टेप बार है तो फाइल मीनू इन सबको टेप कहा जाता है इंसर्ट टेप पेज टेप फॉर्मूला डेटा रिव्यू व्यू डेवलपर एड्स इन स्क्रिप्ट ले तो ये सब टेप कहलाते हैं और ये कहलाते हैं रिबन है ना ये रिबन है सब इसमें ठीक है यहां पर क्यूक एक्सेस क्यूक एक्सेस टूल बार आता है जो आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो वो आइटम आप यहाँ ऐड कर लेते हैं तो वहां से ये काम हो जाता है ये पूरे जो है सब रिबन टेप के लाते हैं ये फाइल होम इंसर्ट ये सब रिबन टेप के लाते हैं। और इसमें ये जो चीजें हैं ये पार्टीशन जो हैं ये ग्रुप के लाते जैसे कि होम में ये कट पेस्ट फॉर्मेट पेंटर कॉपी ये सब एक ग्रुप है है ना यहाँ क्लिक करेंगे तो और भी चीजे पॉपअप विंडो आपको मिलेगी यहाँ क्लिक करेंगे पॉप मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको यहाँ आपके फोन का नाम है यहाँ उसका साइज है या या बोल्ड अंडरलाइन करना यहाँ उसमें बॉर्डर करने का है या बैकग्राउंड फिल करने का है या आपका फोन का कलर है या फोन के साइज है है ना और भी बहुत सी चीजें होती हैं जब यहाँ क्लिक करेंगे तो हमें वो सब चीजें प्राप्त होंगी ऐसे ये अलाइनमेंट ग्रुप है ये यहाँ आपको टॉप मिडिल अलाइनमेंट बॉटम अलाइनमेंट चाहिए लेफ्ट मिडिल राइट चाहिए है ना टेप कैसे क्या देना है आपको फोन को कितना डिग्री एंगल घुमाना है रेप टेस्ट करना है मार्जिन सेंटर ये सब इसमें आ जाएगा और भी बहुत कुछ है फिर नंबर है जनरल है फिर यहाँ डॉलर साइन आपको और भी कोई करेंसी के साइन लगाना है वो आप यहां से लगा सकते हैं परसेंट है डेसीमल इंक्रीजिंग डेसीम डिक्रीजिंग डेसिमल्स की बात आती है डेसिमल प्लेसेस पे जो रहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग है फॉर्मेट सेल्स है फिर सेल स्टाइल है ये होम टेप के बारे में हर टेप के अपने अलग अलग इंसर्ट में अलग हैं सब में अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी ये जो है ये जो हमारा है यहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ है ये हमारी एक्टिव सेल है ठीक है और यहाँ जो होता है फिल हैंडल होता है यहाँ पे राइट कॉर्नर में बॉटम में है ना और ये आपका सेल एड्रेस है देखिएगा डी फोर डी फोर लिखा हुआ देख रहा है ये एड्रेस बार है इसका ठीक है इसके बाद आता है ये फार्मूला बार यहां आप फार्मूला लिख सकते हैं ठीक है ये हमारा कॉलम है और ये हमारी रोज है ठीक है यहां पर हमें स्टेटस दिखता है स्टेटस बार क्या है ठीक है कितने रो है क्या है और ये वर्कशीट टेब है कि इसमें कौन से इसमें क्या किस प्रकार से चीजें हैं और यहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं ये प्रिंट लेआउट के लिए रहती हैं कि प्रिंट लेआउट कैसा आपका पेज लेआउट कैसा है वो किस प्रकार का चाहिए आपको वो यहाँ मिलेगा और ये मैक्रो रिकॉर्डिंग वगैरह का ये सब यहाँ पे आता है नीचे या अपन अभी प्रैक्टिकल देखेंगे तो इन सब चीज़ों से अपन परिचित होने वाले हैं अब मैं आगे आता हूँ कि इनके हर एक कंपोनेंट को अपन थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे एक्टिव सेल अ सेल डेट इज करेंटली सिलेक्टेड जो हमने सिलेक्ट कर रखी है जो मैंने बताया था आपको इट विल बी हाईलाइटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड इट्स एड्रेस विल बी सोन इन यू कैन एक्टिवेट अ सेल बाय क्लिकिंग ऑन इट और बाय यूजिंग योर एरो बटन ठीक है टू एडिट अ सेल यू डबल क्लिक ऑन इट और यूज एफ टू एज वेल जैसे मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके बताता हूं जैसे ये सेल मैंने सेलेक्ट करी देखिएगा ई फोर है ना और यदि मुझे सेल में कुछ लिखना है तो मुझे डबल क्लिक करना पड़ेगा यहाँ मैं अब कुछ भी टाइप कर सकता हूँ तो ये फार्मूला बार में मुझे वो चीज़ें दिखेंगी मैंने क्या टाइप किया है एंटर करूँगा तो ये सेल में ये टाइप हो गया तो इस प्रकार से हम लोग इसको टाइप कर सकते हैं सेल को एक्टिव सेल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं वापस आते हैं हम अपने उसी स्थान पे तो एक्टिव सेल के बारे में आपने देखा कि कैसे क्या एक्टिव सेल वर्क करती है कॉलम ए कॉलम इज ए वर्टिकल सेट ऑफ सेल्स ए सिंगल वर्कशीट कंटेन्ट 16,384 थाउजेंड थ्री फोर कॉलम्स एवरी कॉलम हैज इट्स ऑन एल्फाबेट फॉर आइडेंटिटी हर कॉलम का अपना एक अल्फाबेटिकल आइडेंटिटी होती है ए बी सी डी और ए से चालू होता एक्स एफ डी तक है ठीक है यू कैन सिलेक्ट ए कॉलम बाय क्लिकिंग ऑन इट्स इसके हेडर पे आप क्लिक करके पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ देखिएगा मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया नीचे तक ठीक है ये हो गया ऐसी रो को सिलेक्ट करना है तो मैं इस प्रकार से रो को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ आगे देखिएगा रो के बारे में देखें तो हॉरिजेंटल सेट ऑफ सेल्स जो होता है सिंगल वर्केंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड हैं उसमें ऊपर से नीचे एवरी रो ओन नंबर होता है आइडेंटिटी का 1, 2, 3 indexing, रहती है साइड में स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू वन लेख फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी सिक्स यू कैन सिलेक्ट ए रो बाय क्लिकिंग ऑन द रो नंबर मार्क्ड ऑन द अब फिल हैंडल फिल हैंडल इट्स ए स्मॉल डॉट प्रेजेंट इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द एक्टिव सीट है ना एक्टिव सेल सॉरी अब बात करें हम फिल हैंडल की तो इट्स ए स्मॉल डॉट प्रेजेंट इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द एक्टिव सेल इट हेल्प्स यू टू फील न्यूमरिक वैल्यूज टेक्स सीरीज इन सर्ट रेंजेस इन सर्ट सीरियल नंबर्स एक्सेट्रा वो हम इसके अंदर फील कर सकते हैं तो मैं आपको करके बताता हूं ये देखिएगा इसे मैंने यहाँ पे वन लिखा और यहाँ टू लिखा और यदि मैं इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ये मेरा ऑटो वाली चीज है ये मुझे फिल कर रहा है जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं जैन मैंने जैन लिखा और मैंने इसको तो जनवरी फेबर मार्च मई ये सब इस प्रकार से फील हो रहा है ठीक है तो ये हमारी चीज कहलाती है फील हैंडल के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट देखें हम एड्रेस बार इट सोज द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल इफ यू हैव सिलेक्टेड मोर देन वन सेल देन इट विल सो द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल इन रेंज जैसे कि मैं यहां बात करूं आपको मैं यहाँ किया तो ये उसका कंटेंट यहाँ बता रहा है यदि मैंने एक से ज्यादा सिलेक्ट करी तो पहली सेल का ही कंटेंट बताएगा जैसे जैसे जनवरी बता रहा है तो ये जो है सॉरी यहां आप देखेंगे जैसे कि G4 ये मुझे बता रहा है यदि मैंने यहां से यहां तक सिलेक्ट किया तो 13R आर इंटू है ना 13R आर इंटू मतलब तो तीन रो है 13 रो है और वन कॉलम ये बता रहा है जनरली ये क्या बता रहा है जी फोर ही बताएगा मुझे ठीक है जी फोर मतलब फर्स्ट सेल का एड्रेस देगा बाकी सेल का एड्रेस नहीं दे रहा है ये बट यदि मैं यहां और ऐसे ही आप यहां देखेंगे तो ये पहले तो रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे आर वन सी वन वाले फॉर्मेट में ठीक है और यदि मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे फर्स्ट सेल का एड्रेस देगा आई फोर ठीक है तो वो अपन आर वन सीवन वाली चीजें बाद में देखने वाले हैं तो एड्रेस बार आपको समझ में आ गया फार्मूला बार इज एन इनपुट बार ब्लो द रिबन इट द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट टू एंटर द फार्मूला इन ए सेल है ना सेल में फार्मूला रखने के लिए भी आप इस बार का भी उपयोग कर सकते हैं जैसे कि ये फार्मूला बार है ठीक है ना ओके तो इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं यहां भी लिख सकते हैं फार्मूला बार में टाइटल बार द टाइटल बार वि नेम ऑफ योर वर्क बुक फॉलोड बाई देशन नेम माइक्रोसॉफ्ट एक्सल जैसे कि टाइटल बार यदि मैं आपको यहां दिखाऊं थोड़ा सा इसको छोटा करूं तो आपको टाइटल बार देखेगा इंट्रो क्लास है ना ये यहाँ बता रहा है मुझे ठीक है इंट्रो क्लास कहा से क्या है ये बता रहा है ठीक नेक्स्ट हम देखें फाइल मेनू, द फाइल मीनू इज अ सिंपल मीनू लाइक all other application it contains save save as open new print excel option share etc वगैरह सब इसमें होते हैं फाइल मेनू में तो मैं फाइल मेनू आपको दिखा देता हूं ये देखिएगा फाइल मेनू न्यू ओपन शेयर है ना गेट एड्स इन इन्फो सेव ए कॉपी प्रिंट एक्सपोर्ट क्लॉज ये सब इसमें आ रहा है शायद फाइल मेनू के अंतर्गत नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें

कर रहे हैं अब इसके अपन आगे देखेंगे कि कैसे हम इसके अंदर आइटम ऐड कर सकते हैं आइटम यहाँ से हटा सकते हैं है ना ये सब चीजें ये अपन बाद में चर्चा करेंगे अभी तो मैं खाली आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं रिबन की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 ऑल द ऑप्शंस मीनर्स आर रिप्लेस बाय रिबन रिबन आ गया उसकी जगह रिबन टेप्स आर अ बंच ऑफ स्पेसिफिक ऑप्शंस ग्रुप विच फर्दर कट कंटेन्स द ऑप्शन मतलब ये ग्रुप होते हैं स्पेसिफिक ऑप्शन के तो हर रिबन में अलग अलग ग्रुप एक रिबन में आप देखेंगे अलग अलग ग्रुप हैं। तो मैं दिखाता हूँ रिबन में कैसे क्या ग्रुप्स होते हैं तो मैं पहले इसको सॉरी यहां ले रहा हूं और इसको मैं देता हूं तो ये रिबन है हमारा इस रिबन में ये ग्रुप है होम होमटे में ये ग्रुप है ठीक है ना फ्री ये ग्रुप है ये बंच ऑफ ग्रुप है उससे रिलेटेड तो ये सब कुछ ढूंढने में सर्च करने में आसानी होती किस चीज को कहा हम कैसे सर्च करेंगे ठीक है रिबन के बाद हम आते हैं वर्क Tape. This tape shows all the आप उसमें कर सकते हैं जैसे कि ये देख रहे हैं ना ये वर्कशीट और एड करना हो आप यहां क्लिक कर दें, हो जाएगा डिलीट करना अब आप यहाँ आप राइट क्लिक करें डिलीट कर दें इसको तो इस प्रकार से ये आपका वर्कशीट टेप हो जाता है फिर स्टेटस बार इट इज अन बार एट द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो इट विल गिव यू इंस्टेंट हेल्प वंस यू स्टार्ट वर्किंग इन एक्सेल। तो देखिएगा यहाँ पे स्टेटस बार आ जाता है जिसे मैं इधर करूं तो ये आपको बता रहा है और ये, एवरेज इसका सेवन है काउंट थर्टीन है सम नाइनटी वन है तो ये स्टेटस इसका हमें बता देता है।